प्रायोजित फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। देवतालाब हाई प्रोफाइल सीट जहां भारतीय जनता पार्टी ने गिरीश गौतम को प्रत्याशी बनाया, वहीं कांग्रेस ने उनके भतीजे पद्मेश गौतम को मैदान में उतारकर मामला रोचक बना दिया। चाचा भतीजे के बीच लड़ाई हो गई। आइए आपको सुनाते हैं पद्मेश गौतम ने क्या कुछ कहा। इसका निर्णय जनता ने अभी एक वर्ष पूर्व पंचायत चुनाव में कर दिया था। वह पंचायत चुनाव जीता जागता उदाहरण थे कि आगे क्या होने वाला है। मैं तो यह कहता हूँ कि महाभारत जो यह वर्तमान की महाभारत चल रही है, उसमें विराट का युद्ध पहले हो चुका है, कुरुक्षेत्र का बाकी है। जनता के बीच में न केवल मैंने बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पिछले 5 वर्षों से जो जनता के बीच में लगातार मेहनत करते रहे, उसका प्रतिसाद निश्चित तौर पर, चूंकि कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है, तो मुझे मिलने वाला है। मेरा यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं ने और जो 1.5 वर्ष की कमलनाथ जी की सरकार थी और उस सरकार में जो कार्य हुए हैं उसकी तुलना करते हुए जनता इस बार प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाने के लिए आगे आ रही है। आपको जनता अगर चुनती है तो पहली प्राथमिकता देवतालाब में पहला क्या काम? देवतालाब विधानसभा में पहला काम शिव मंदिर का विकास करना, जिसके नाम से देवतालाब विधानसभा जाना जाता है। एक जन आकांक्षा की मांग है कि देवतालाब को नगर पंचायत का दर्जा दिलाना। बहुत ही जलप्रपात है, उसके लिए काम करना, उसके विकास के लिए। और आपका जो नहरों का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जो 2017 तक पूरा हो जाना चाहिए था, इस दिशा में काम करने का प्रयास करें। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।